अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अतीक साहब, ये मेरे कज़न हैं और ये कश्मीर से स्पेशल आए थे हमारे यहाँ इस्लामाबाद। कहने लगे कि इस्लामाबाद में किसी पुरसकून जगह पे लेके चलें, तो ये अभी इस वक्त हम सैदपुर विलेज में मौजूद हैं इस्लामाबाद में। सैदपुर विलेज का नाम तो सब लोगों ने सुना होगा, सारे लोगों ने सुना हुआ है, गो के आए भी होंगे, लेकिन वो मेन विलेज से होकर वापस चले जाते हैं। अगर आप सैदपुर विलेज आते हैं तो वहाँ से आप बिल्कुल सीधा आगे एक जो रास्ता है वो आता है, बिल्कुल आगे आप गूगल मैप ओपन करें और उसमें चेक करें, मैं आपको बताऊंगा अभी साथ साथ, आप देख सकते हैं मैप में। तो वहाँ पे आप आएंगे तो वो यहाँ पे ये जो ये नज़ारे हैं यहाँ पे, ये देखें बिल्कुल कितनी खूबसूरत जगह है, पीछे पहाड़ी चोटियाँ देखें, पीछे भी आपने जो मेरी वीडियो पर पहले हम रास्ते से आए वो आपने देखी होंगी, वो जो मनाजिर मैंने आपको दिखाए हैं पहाड़ी चोटियों के, कितने खूबसूरत हैं। अच्छा, मैं आपको जो अभी ये ख़ास बात बताने वाला हूँ, ये देखें कितने खूबसूरत मनाजिर हैं, कितनी पुरसकून जगह है ये। अच्छा, वो देखें सामने पानी, देखा आपने वो सामने पानी? अच्छा, ये कोई पाइपलाइन फटी हुई है, लेकिन देखें कितना खूबसूरत फुहारा बुलंद हो रहा है, बहुत खूबसूरत है। मुझे इस पानी को देख के याद आया कि यहाँ पे ये देखें सामने जो ये बिल्कुल ये चोटी है, ये इस यहाँ पर मेरी उंगली लग रही है, इस चोटी पर अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पीछे एक टंकी हो बहुत बड़ी और वहाँ से इस पहाड़ की चोटी के ऊपर से यहाँ से बिल्कुल नीचे आबशार गिराई जाए, नीचे गिरे और नीचे उसी पानी को वहाँ पे स्टोर किया जाए और फिर मोटर के थ्रू पानी को फिर वापस पीछे से किसी पाइप के थ्रू ऊपर रोटेट किया जाए, ऊपर चला जाए पानी फिर टंकी में और फिर वहाँ से नीचे आ जाए। अच्छा, मैं इसके करीब जाऊँगा और ये मैं आपको आगे भी इसके शॉट्स दिखाऊँगा कि ये कितनी खूबसूरत बनी बनाई जगह है, इस्लामाबाद में है। यहाँ पर अगर ये वाटरफॉल बनाई जाए, यकीन करें कि मैं समझता हूँ पूरा रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर से भी लोग यहाँ पे देखने के लिए इस जगह को आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस भी है, नज़दीक भी है और ये इतनी खूबसूरत वाटरफॉल होगी कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी वाटरफॉल होगी। और शुमाली इलाकों जैसे पहाड़ों में वाटरफॉल्स होती हैं, सेम उस तरह की बन सकती है। तो ये देखें जगह आप, कितनी खूबसूरत जगह है। हम बिल्कुल साइड से आए, अभी एक बच्चा आ रहा है वहाँ से, रास्ता आ रहा है, तो बच्चा आ रहा है, खड़े जाएँ बेटा, इधर आ जाएँ। आपका क्या नाम है? अनीस। अनीस नाम है जी। आप इसी जगह पर रहते हैं जी? अच्छा, तो किधर जा रहे हैं आप अभी? नाने। इस जगह का क्या नाम है आगे? सारपुर। नाने, इधर पानी नाने की जगह है जी। चलें चलते हैं आगे, देखते हैं बच्चा नाने के लिए जा रहा है, हम भी देखते हैं कि आगे जो जगह है वो किस तरह से है। वो देखिए पानी सामने, वो फुहारे बुलंद हो रहे हैं, चलिए देखते हैं, चलते हैं हम आगे। और आतिक साहब बैठे हुए हैं सामने और ये पानी देखें आप, कितना खूबसूरत मंजर है ये आप देखें। इस पहाड़ की टॉप से अगर यहाँ से पानी को नीचे गिराया जाए एक आबशार की सूरत में, बिल्कुल ये बनी बनाई जगह है, सिर्फ यहाँ पे एक आबशार बनाने की जरूरत है।
एक ही पाइप फटा हुआ और इतनी तफरी बनी है बच्चों की, और यहाँ पे एक आबशार हो तो सोचें कि कितनी खूबसूरत लगेगी। ये देख सकते हैं आप, ये जगह कितनी मौजूद जगह यहाँ पे आबशार के लिए। यहाँ पे टॉप से पानी नीचे गिराया जाए और बिल्कुल नीचे आएगा। साइडों पे ही देखें, ये जगह ग्रीन भी है, ग्रीनरी भी बहुत है, और ये बहुत खूबसूरत वैली बनेगी। ये देखें आप, ये कितने खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। अच्छा देखें, अभी मेरी नज़र वो सामने वो लड़के हैं और एक बंदा वो ऊपर जा रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, एक ये खड़े हैं और वो देखें ऊपर बकरी है पीछे, वो शायद बकरी के लेने गया था। यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि टॉप से यहाँ से आबशार हो और यहाँ पे आके नीचे गिरे। ये पाइपलाइन भी आ रही है पीछे से, पानी भी आ रहा है, कहीं पानी भी है पीछे। ये देखें आप, ये पानी है। अभी हम इसके बिल्कुल नीचे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मैं हैरान इसलिए हूँ कि यहाँ पे पानी भी है, यहाँ पे पानी है। इसका मतलब है यहाँ पे जो चश्मे जो हैं वो हैं, और हम बिल्कुल पहाड़ के नीचे पहुँच चुके हैं। देखें हम बिल्कुल टॉप पर, ये जगह बिल्कुल हमारे कश्मीर की जगह है। हमारे कश्मीर में एक जगह है डन्ना, बिल्कुल जिसकी नेचर है उस तरह से मिल रही है। अभी हम वापस जा रहे हैं, बारिश का मौसम बन रहा है।